माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टीसीपी और यूडीपी दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसका प्रयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसमें क्या क्या डिफरेंसेज है इसको हम लोग जानेंगे। टीसीपी और यूडीपी में क्या अंतर है, दोनों क्या है, दोनों प्रोटोकॉल हैं, दोनों का में क्या डिफरेंसेज है इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें टीसीपी में क्या लिखा हुआ है। पहला, यह जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यह जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी क्या है, यह है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। पहला डिफरेंस तो इसका फुल फॉर्म ही हो गया, एक हो जाए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें दूसरा अंतर क्या है, इट इज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यह जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन पर आधारित प्रोटोकॉल है। और यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यह क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है कनेक्शन से संबंधित प्रोटोकॉल है और यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। तीसरा अंतर, अगला अंतर क्या है, टीसीपी रिलायबल एज द गारंटी द डिलीवरी ऑफ डेटा टू द डेस्टिनेशन राउटर। यह जो है क्या करता है, डेटा को अंत तक पहुंचाने के लिए राउटर को गारंटी देता है कि डेटा वहां तक पहुंचता है। यह जो है राउटर को डिलीवरी की गारंटी देता है, लेकिन इस प्रकार की गारंटी इसमें नहीं पाई जाती है। यूडीपी में इस प्रकार की गारंटी नहीं पाई जाती है, डेटा को अंत तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राउटर को किसी प्रकार की गारंटी नहीं मिलती है। अगला अंतर क्या है, टीसीपी इज कंप्लीटली स्लोअर देन यूडीपी। टीसीपी क्या है, स्लो कार्य करता है, यूडीपी की अपेक्षा स्लो कार्य करता है और यह कुछ स्पीड इसकी ज्यादा होती है। टीसीपी से इसकी स्पीड क्या होती है, यूडीपी की ज्यादा होती है। इसके बाद अगला अंतर क्या है, इट डज एरर चेकिंग एंड आल्सो मेक एरर रिकवरी। यह जो है एरर को पकड़ता है और उसको सुधार करता है, उसको रिकवरी करता है। यह क्या करता है, इट परफॉर्म एरर चेकिंग, यह भी एरर चेकिंग का कार्य करता है, लेकिन यह जो है जो एरर पैकेट होते हैं उनको डिस्कार्ड करता है, यानी समाप्त कर देता है। अगला इसमें क्या डिफरेंस है, इट इज एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट। इट है, इसके पार्ट एक्नॉलेजमेंट का सेगमेंट पाया जाता है, लेकिन यूडीपी के बाद पास एक्नॉलेजमेंट का सेगमेंट नहीं पाया जाता है। यह जो है इट इज हैवी वेट। टीसीपी का वेट क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का वेट अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, यह स्लो कार्य करता है। और इस यूडीपी का लाइट वेट क्या होता है, लाइट होता है, लेकिन यह रिलायबल नहीं है, यह विश्वसनीय नहीं होता है। यह जो है हल्का होता है लेकिन तेजी से कार्य करता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। टीसीपी जो होता है भारी होता है, यानी थोड़ा उसकी अपेक्षा इसका हैवी वेट होता है, लेकिन यह क्या होता है, विश्वसनीय होता है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर टीसीपी यूज्ड बाय HTTP, HTTPS, FTP, SMTP एंड टेलनेट। TCP किस में यूज होता है, देखिए यहाँ पर दिया है HTTP। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह किस में प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा क्या है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके बाद FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद क्या है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और टेलनेट में इसका प्रयोग कहां पर होता है, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP और टेलनेट में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए UDP का प्रयोग कहां पर किया जाता है, UDP इज यूज्ड बाय DNS। DNS क्या होता है, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद अगला क्या है, TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद क्या है, SNMP, एस और एन होता है। इसके बाद क्या है, SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसमें SMTP है और इसमें SNMP है, दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल है। इसमें अगला प्रोटोकॉल क्या है, RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन का प्रोटोकॉल होता है। और लास्ट में है VOIP का फुल फॉर्म क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो है TCP और UDP में बेसिक अंतर एक बार मैं दोहरा देता हूं। पहले में क्या है, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। या कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस ओरिएंटेड है, इसमें कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसमें डेटा को लास्ट तक पहुंचने की गारंटी होती है और इसमें किसी प्रकार की गारंटी नहीं होती है, यूडीपी में गारंटी नहीं होता है। यह स्लो कार्य करता है और यह जो है इसकी अपेक्षा थोड़ा फास्ट काम करता है, ठीक है। यह क्या करता है, एरर को चेक करके उसको रिकवरी करता है, और यह क्या, एरर को चेक करके उसके पैकेट को क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है। यह क्या करता है, इसमें एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट पाया जाता है, इसमें एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट नहीं पाया जाता है। यह लाइट वेट होता है और यह इसकी तुलना में हल्का वेट होता है, और लेकिन यह विश्वसनीय नहीं होता है। इसके बाद TCP किसका हमें किसका किसका प्रयोग किया जाता है, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP और Telnet, इन सब प्रोटोकॉल का यूज होता है। UDP में DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RIP और VOIP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा बेसिक डिफरेंसेज ऑफ TCP एंड UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दोनों में बेसिक डिटेल है, कोई स्लो है तो कोई फास्ट है, कोई हल्का है तो कोई भारी है, किसी में अलग प्रोटोकॉल यूज होता है, किसी में दूसरा प्रोटोकॉल यूज होता है, कोई विश्वसनीय है कोई विश्वसनीय नहीं है। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको TCP और UDP में क्या डिफरेंसेज है ये बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और यदि इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। चैनल को अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।